अब आगे देखो, अब हमने क्या करना है, अब ये देखो, इतना मैंने अभी आपको, अभी पॉज कर रहा हूँ, इतना मैंने अभी आपको समझा दिया, क्लियर है? अब हमने क्या करना है, अब हमारा सैंपल तैयार हो गया ये। हाँ जी, यस सर। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारी ब्रेक है, जो हमारी ब्रेक है उसको हमने टेस्ट करना है। टेस्ट हमने करना है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर, ठीक है? हम क्या करेंगे, हाँ जी, हम 3 mm की प्लाई लेंगे। ये चीज देखना ध्यान से, हम क्या लेंगे, प्लाई लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी है, 3 mm, ठीक है? ठीक है सर। हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक के ऊपर भी रख देंगे और नीचे भी रख देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हम प्लाई यस सर। को ब्रेक के ऊपर भी रख देंगे और नीचे भी रख देंगे, और फिर उस अरेंजमेंट को मशीन के जॉल्स के अंदर डालेंगे और उस पे लोड लगाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। कैसे? यस सर। ऐसे, ये देखो, ऐसे, ये हाँ देखो, जी सर। ये ब्रेक का सैंपल है, ठीक है? ये हाँ ब्रेक जी। है हमारी जो मोटर से भरी हुई है, मतलब मोटर से जिसका फ्रॉग फिल कर लिया है हमने, उसके ऊपर भी 3 mm की प्लाईवुड शीट रख देनी है, 3 mm थिक, और उसके नीचे भी रख देनी है, ठीक है? हाँ जी सर। और फिर इस सारी ओके चीज सर। को हमने इस हॉरिजॉन्टली मशीन के अंदर सेट कर देना, ओके सर। ठीक जैसे इसमें कर दिया गया। है। हाँ क्लियर है ये जी सबको? सर। प्लाई क्यों प्लेस करनी सर हमने? इक्वल प्लाई इसलिए प्लेस करते पैच हैं ताकि जो लोड पड़े वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ, हो। यूनिफॉर्मली हाँ डिस्ट्रीब्यूट जी। हो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है? तो हमने इस अरेंजमेंट को सारा, हमारा जो सैंपल है मोटर से फिल किया हुआ है, उसके ऊपर नीचे 3 mm की प्लाई रख के उसको हमने मशीन की जॉज में फिक्स कर देना है, ऊपर वाले से को टाइट कर देना है ताकि ये सेंटर से सेंटर को साइड हो जाए और फिक्स हो जाए हमारा सैंपल मशीन के अंदर, ठीक है? क्लियर हाँ जी सर। हाँ जी। यस है सर। सबको? अब हाँ हम क्या जी सर। करेंगे, अब हम मशीन चला के लोड लगाएंगे और ये ब्रेक के ऊपर लोड लगेगा, जब ब्रेक जितने लोड पे टूट गई उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक अब वो उसका वीडियो में है देख लो सर। आप, यस उसको आप वीडियो में देख लो यहाँ पे। अभी अब आप क्या करेगा, ये प्लाई लगाएगा, फिर उसके ऊपर ये देखो नीचे प्लाई रख ली, यस सर। फिर एक और बात, फ्रॉग को ऊपर रखना है जब हमने टेस्ट करना है, तो फ्रॉग जो फिल करा वो पोर्शन ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। फिर इन्होंने क्या किया, ये ऐसे नीचे प्लाई रख ली और सेंटर से सेंटर को साइड कर लिया और ऊपर प्लाई रख देनी है इसके, और इसको फिक्स कर देना है और लोड लगाना। ठीक है सर। अब ये फिक्स कर रहे हैं, देखो जो मूवेबल जो है उसको फिक्स कर रहे हैं ग्रिप बनाने के लिए। क्लियर है? अब क्या सर। करेंगे, अब ये इसके ऊपर लोड लगाएंगे, ये इसकी एडजस्टमेंट हो रही है सारा इस पे, ये ऑन कर दी मशीन, अब इस पे लोड लगेगा, सारे वाल्व। अब ये देखो ये डायल है इसका, ये कंट्रोल वाल्व होते हैं, ये भी वाल्व उसको फिक्स करने के लिए। अब इस पर लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड, और ये देखो इसका पॉइंटर ऊपर मूव कर रहा है, ब्रेक टूट रही है, दिख रहा है? हाँ जी। तो ब्रेक टूट गई सारी, जिस लोड पे टूट गई उस, फिर आपने उसको नोट, ये देखो उसको नोट कर लेना। क्लियर है सबको ये? जैसे सर। हाँ जी हाँ सर। जी। सर ये हाइड्रोलिक ऑपरेटर स्टूडेंट दो तरह के इलेक्ट्रिक। ऑपरेटर, नहीं ये इलेक्ट्रिक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल है। ठीक हाइड्रोलिक में है क्या सर। जैसे होता है, जो ट्रांसफार्मर हाइड्रोलिक में होते हैं। हमें ना उसका एक बहुत बड़ा वो लगा होता है, पिस्टन सा लगा होता है, उसको हमें मूव करना पड़ता है मैन्युअली, ठीक है? ओके सर। अब देखो हमें लोड पता लग गया, अब ये देखो अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, जितने लोड पे वो टूट गई ईट, मैक्सिमम लोड एट फेलियर न्यूटन के अंदर, ठीक है? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्पेसिमन, जो कि हमने एरिया पहले मेजर किया, लेंथ विड्थ, लोड को एरिया से डिवाइड कर लेना है और वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्रिक की न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर, ठीक है सर। ओके ठीक है? सर। ठीक है स्टूडेंट ये? ओके सर। यस हाँ सर। जी। अब देखो जैसे जैसे अब ये देखो, जो लूप टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, लेंथ ऑफ ब्रेक 230 हो गई, विड्थ 110 हो गई, एरिया इतना आ गया 25,300 स्क्वायर mm, ठीक है? ठीक हाँ जी। है। फिर लोड एट द टाइम ऑफ क्रशिंग ऑफ ब्रेक, मतलब कि जब ब्रेक टूटी उस समय लोड कितना था, जब हमने मशीन के ऊपर लोड अप्लाई करा था ना सैंपल को डाल के मशीन के अंदर,
तो वो कितना आया 25,000 किलो। ठीक है सर। अब किलो को अगर हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है सर। फिर इसको हमने 9.81 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना न्यूटन आ गया। ओके सर। क्लियर है सबको ये? हाँ जी। हमें लोड पता लग गया, हमें एरिया पता लग गया, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, मतलब कि ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोड पे वो टूट जाती है, क्रशिंग लोड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ब्रिक, स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रेंथ है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है? ठीक है सर। तो कैसे किया ये देखो, लोड कितना था, ये 245 डिवाइडेड बाई एरिया कितना था 25,300, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 9.69 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है सर। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक इज इक्वल टू 9.69 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है सर। यही हमने निकालना होता है, ब्रेक की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालनी होती है। ठीक है सर। क्लियर है सबको? यस सर। यही हमारा एक्सपेरिमेंट था, अगर किसी ने कोई पूछना हो तो बता दो, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक फाइंड करनी है। सर। हाँ जी सर। ये लोड से पहले सर वो वाला बताना, क्या सर 25,000 kg सर कैसे है सर, वो बताना थोड़ा। ये सर देखो, लोड जोन सा है, जब हमने ब्रेक को हमने मशीन के अंदर डाला तो उसके ऊपर लोड लगाया, जितने लोड के ऊपर ब्रेक टूट गई क्रश कर गई वो लोड हमने नोट कर लिया, वो कितना आया 25,000 किलो। ठीक। उसको हमने फिर क्या किया, न्यूटन में कन्वर्ट किया है, 1 किलोग्राम फोर्स 9.81 न्यूटन के बराबर होती है, इसलिए 25,000 किलो को 9.81 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना न्यूटन बन गया। अब इस न्यूटन लोड जितना आ गया डिवाइडेड बाई उसका एरिया जो कि स्क्वायर एमएम में निकाला हुआ है ऊपर, हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्रशिंग स्ट्रेंथ आ गई ब्रिक की। ठीक है। ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको ये? यस सर। और किसी ने कोई पूछना हो तो पूछ लो, ये प्रैक्टिकल आपका है, सिलेबस का प्रैक्टिकल है, टू डिटरमिन द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। हाँ जी क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। ठीक है, ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गया सबको? हाँ जी सर। यस सर। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इसको लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी में। प्रैक्टिकल कॉपी खरीद ली आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, ईगल प्रकाशन की? यस सर, गए थे। हैं सर, खरीद ली? यस सर। कौन बोल रहा है? सर उज्जवल शर्मा। दो मिनट रुको, आपका नाम भी यही लिखा है, उज्जवल शर्मा। अपनी वीडियो चलाओ। हाँ जी सर। अपने वीडियो चलाओ उज्जवल, और कॉपी दिखाओ मुझे। उज्जवल जी सर, अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी कॉपी।